दुखिया, अरे और दुखिया। आया मालकिन। मालकिन के बच्चे, मैंने कहा था ना कि बैग जी से काढ़ा ले आना, रात भर सर्दी के कारण सो नहीं पाया मेरा राजा बेटा। गलती हो गई मालकिन, अभी आया। आहिस्ते 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 क्या करता है, और जल्दी से काढ़ा लेके जा, वरना राजा बाबू की माँ तुझको निचोड़ के तुझमें से काढ़ा निकालेगी। भाग। ये लीजिए पानी। दूधी जी मालकिन, राजा बाबू के बाहर जाने का वक्त हो गया, जल्दी से उसकी पटपटी साफ कर दे। अभी साफ किए देते हैं। राजा राजा बेटा अब उठो। चौधरी साहब, आपके लिए लेटर लाया हूँ। लो ये लीजिए। चौधरी साहब, ये आपका बेटा है? वकील है? नहीं। तो फिर डॉक्टर होगा? नहीं। समझ गया, पुलिस इंस्पेक्टर है? नहीं। तो फिर ये कौन है? इस गांव में नए आए हो? जी हाँ, मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है। इसीलिए मेरे सबूत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? जी नहीं। वो कुछ नहीं है, है? सिर्फ अपनी माँ का बेटा है। एमए किया है, माँ की ममता में, किसी कॉलेज से नहीं। पांचवीं में 5 मरतबा फेल हुआ, इसीलिए मजबूर होकर स्कूल वालों ने स्कूल बंद कर दिया। चौधरी साहब बस, इससे ज्यादा कुछ पूछना है तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ लेना। अच्छा। यहाँ पूछेगा, उसकी माँ ने सुन लिया तो जलती हुई लकड़ी लेके पीछे दौड़ पड़ेगी। कौन है जी, किससे बातें कर रहे हैं आप? जी जी नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल, नहीं मैंने पूछा ही नहीं कुछ। अरे अजी, ये डाकिया मुझे देखकर भाग क्यों गया? अरे तुम इस हालत में देखिए, यमराज भाग जाएगा, वो बेचारा तो फिर भी डाकिया था। क्या? अच्छा ये लेके कहाँ जा रही हो तुम? अजी उस दीवार पे दीमक लगी है ना, उसी को निकालने जा रही थी। अच्छा अच्छा, उस गरीब को मालूम नहीं था। वैसे आपके बेटे साहब उठ गए या अब तक? जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं आप। वो बेचारा तो कब का जाग गया, नहाने भी गया है, बस तैयार होके नीचे ही आता होगा। जब वो नीचे आएगा उसके बाद हमें खाने को मिलेगा। कमाल करते हैं आप, आपको खाने की पड़ी है, यहाँ मेरे बेटे ने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। कहाँ से करेगा नाश्ता, 1 बजे तो सो के उठता है, 1 बजे फिर नाश्ता नहीं होता, दोपहर का खाना होता है। रहने दीजिए, जब देखो तब ताने ही देते रहते हैं। तो क्या दें, खाना तो मिलता नहीं है। उठ गए? उठ गया बाबा। वाह, क्या कपड़े पहने, इसमें तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। शुक्रिया बाबा। बस कीजिए जी, नजर लगाएंगे क्या मेरे बच्चे को? चल बेटे तू खाना खा। वाह जरा बाबा। ये ले। सुनो, मैं भी खाऊं? हाँ आप खाइए। अच्छा खाइए। ये नौकर लोग ठीक से काम नहीं करते, आज इन सब की खबर लेती हूँ। तूने क्यों ठूका? माँ ने कहा ना। क्यों जी, तुमने इसको ठूकने को क्यों कहा? कंकर आया था इसलिए। तू क्या ऐसे कंकर वाला खाना देती अपने बेटे को? बताओ, कंकर मेरे मुंह में आया था, ठूका इसको दिया। अच्छा बाबा जी, मैं चलता हूँ। जाओ। तो मैं चलूं? हाँ जाओ बाबा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे तो जाना, जाता क्यों नहीं? अजी जाएगा कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है बेचारे के। चलिए इसे पैसे दे दीजिए। पैसे? हाँ। आज के बाद मैं उसको एक नया पैसा नहीं देने वाला। हफ्ते में 4 बार जब तक मेरे बच्चे का दिल ना दुखा लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तुम भी मुझी को कहती रहो, ये चाय बिना मकसद गांव भर में घूमता रहे, आवारा गर्दी करता रहे, अय्याशी करता रहे। अजी कौन सी अय्याशी करता है ये, है दारू पी के आता है, लड़कियों को छेड़ता है, बेचारा गरीब गाय की तरह सर झुका के जाता है, सर झुका के आता है। क्या गाय? और आपकी इतनी बड़ी जायदाद की ये किसके काम आएगी? मेरा एक माँ, मेरी टोपी। अरे क्यों अपने बेहुदा प्यार से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे देखो उसका कद निकल आया है, ये अपनी जिम्मेदारी का बोझ कब उठाएगा? बस इसकी शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इससे कौन करेगा शादी? मैं कहती हूँ इसे पैसे दे दीजिए, बहुत हो चुका। मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपनी तिजोरी की चाबी पता नहीं कहाँ घुमा के। अगर अरे क्या कर, चाबी घूम गई तो फिर ये क्या है? और फिर जब इसे ही देने के लिए पैसे रखे थे तो इसे दिए क्यों नहीं? ले बेटा ले, इतने सारे पैसे छोड़ो, ठीक है ना? चला लो मामा, चलो।